इको जो मार्वल की सीरीज है वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। और जैसे कि मैंने मेरी रिसेंट वीडियोस में बोला था कि इस सीरीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें हमको डेयर डेविल और किंग पिंग देखने मिलेंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये वही डेयर डेविल है जो हमको नेटफ्लिक्स पे देखने मिला था, क्यों इको सीरीज से पहले एमसीयू में डेयर डेविल का कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल में बहुत बार एमसीयू में हुए इवेंट्स में मेंशन किया था, जिसकी वजह से फैंस कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बट फाइनली इको रिलीज से पहले मार्वल वालों ने एक प्रोमो रिलीज किया था जिसमें किंग पिंग के कुछ सीन्स देखने मिले जो कि नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से लिए हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये वही डेयरडेविल है। तो हो सकता है इन फ्यूचर्स नेटफ्लिक्स पे डिफेंडर भी हमको एमसीयू में दिखे, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के बारे में नहीं सुना था तो मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ, जैसे एमसीयू में अलग अलग कैरेक्टर के इंडिविजुअल मूवीज हैं और फिर उन सबको लेके द एवेंजर बनाया था, वैसे ही द डिफेंडर शो में दिखने वाले कैरेक्टर्स का उनका खुद का शो है। बट अभी तक मार्वल वालों ने डेयर डेविल और किंग पिंग के कैरेक्टर के अलावा किसी और कास्ट को अभी तक कंफर्म नहीं किया है। मैं भी इन फ्यूचर वो करें। इको सीरीज की मैं बात करूं तो ये सीरीज टेक प्लेस करती है 2021 में हॉकाई की सीरीज के बाद, जहां हमको दिखाया जाता है इको ने किंग पिंग को शूट कर दिया है। हालांकि हमको शूट करते हुए दिखाया नहीं था, कैमरा का एंगल चेंज हो जाता है और हमको बस एक गन शॉट की आवाज आती है। बट इको सीरीज के ट्रेलर में हम किंग पिंग को देख सकते हैं, वो जिंदा है, बस उसकी एक आग पे बैंडेज लगा हुआ है, क्योंकि वो इको ने जो शूट किया था वो गोली जाके किंग पिंग की आग पे लगी है। इस वजह से इको के ट्रेलर में हमको किंग पिंग की आग पे बैंडेज लगा हुआ दिखा। ये सीरीज देखते टाइम आपको किंग पिंग और थानोस में कुछ हद तक रिसेंबल्स दिखेंगे, क्योंकि मार्वल वाले किंग पिंग को स्ट्रीट लेवल थानोस की तरह सेटअप किया गया है, जिससे लड़ने के लिए स्ट्रीट लेवल के हीरोज को असेंबल किया जाएगा। हो सकता है हमको मार्वल के डिफेंडर्स भी देखने मिले, मैं भी स्पाइडरमैन भी, क्योंकि स्पाइडरमैन के मूवीज में डेयर डेविल दिखा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये ऑफिशियल नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है इस सीरीज भी आपको टिपिकल रोमांटिक चाइल्डहुड देखने मिलेगा कि आखिर कैसे माया की जिंदगी चेंज हो गई। इको सीरीज की बात करूं तो ये एक और मार्वल की तरफ से एवरेज सीरीज है, जिसको आप बस डेयर डेविल और किंग पिंग के लिए देख सकते हैं। बस इसके 5 एपिसोड्स हैं, जिसको आप आराम से बिन वॉच भी कर सकते हैं। हालांकि एपिसोड्स की पासिंग स्लो है, और अभी तक आपने यूट्यूब इंस्टा पे या ट्विटर पे डेयर डेविल वर्सेस इको का लीक सीन करके लोग वायरल कर रहे हैं, वो एक्चुअली लीक सीन नहीं है, वो एक टीवी प्रोमो वीडियो है जिसको मार्वल वालों ने रिलीज किए थे। सो ओवरऑल मार्वल की इको सीरीज जस्ट एवरेज शो है, जिसको आप बस डेयर डेविल और किंग पिंग के वजह से देख सकते हैं, और कुछ ही एक्शन सीन्स इसके अच्छे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस सीरीज के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को क्या लगता है इस सीरीज के बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट करके। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।